अभी जो खड़े हैं अपन मानपुर हवाई पट्टी पे खड़े हैं और इस हवाई पट्टी के लिए गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर 1109 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव बना के यहां से पीडब्ल्यूडी विभाग ने भेजा था, जिसको स्वीकृति मिल गई है और हवाई पट्टी का निर्माण कार्य चालू हो गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये साइड में बिजली का इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण का काम चालू हो गया, जिससे कि रात्रि कालीन में भी अब यहां पे फ्लाइटें उतरेगी और इससे पर्यटकों को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पे माउंट आबू, अंबाजी, पावापुरी, नेहरू तारक धाम, ऐसे बहुत से मतलब कि पर्यटक स्थल है जिससे आवागमन लोगों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल लेवल का हेड ऑफिस है जिसमें हर साल लाखों की संख्या में तादाद में भक्तगण आते हैं बाबा के दरबार में, तो उनके लिए भी यहाँ पे फ्लाइट की सुविधा रहेगी तो उनको आने जाने में काफी राहत मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे राज्यपाल की शीतकालीन सत्र में माउंट आबू में विधानसभा में रहता है, पूरा माउंट आबू रहता है उनका, उसके लिए यहाँ पे आए दिन वीआईपीओं का आना चालू रहता है। तो आबू रोड हवाई पट्टी के सौंदर्यीकरण से और डेवलपमेंट से इस क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। ये है आबू रोड हवाई पट्टी के बारे में और इससे अगर इसकी और बढ़ोतरी होती है, इसका रनवे चौड़ा होता है, जैसा कि पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज सहायक अभियंत्य आरसी वराड़ा जी ने बताया कि इसका जो हवाई पट्टी है वो अपने 60 मीटर चौड़ी और 180 मीटर 1800 मीटर लंबाई इसकी बढ़ा रहे हैं, जिससे कि बड़ी फ्लाइटें रात्रि कालीन में भी आराम से उतर सकती है। इन दोनों हवाई पट्टियों में से मानपुर हवाई पट्टी को नियमित उड़ान सेवा शुरू करने हेतु चुना गया है। इसी विषय को लेकर हमने सिरोही के लोगों से चर्चा की, उन सब